हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन. लर्न फिजिक्स इन द इजीएस्ट वे. यहाँ पर हम ईएमटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कुछ, और इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो काफ़ी सारे पार्ट्स रहेंगे. सो दिस इज सेकंड पार्ट, और इससे पहले एक पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एंड आगे भी बहुत सारे पार्ट्स में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके कंसेप्चुअल अप्रोच को काफ़ी अच्छा करेंगे. सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ चार्ज कॉन्फिगरेशन इज गिवन टू यू, प्लस क्यू एट 0, 0 एंड माइनस 2 क्यू एट 6, 0 इज गिवन टू यू. सो यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल. यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा लोकस आपको मिलने वाला है जिस पे आपका पोटेंशियल जो होगा सिस्टम की वजह से वो जीरो होगा. तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज पी एक्स कॉमा वाई, और इसका जो क्यू से चार्ज की डिस्टेंस है दैट इज़ आर वन, और माइनस टू क्यू से जो डिस्टेंस है वो आर टू है. और अभी हमें पता है कि एक्स और वाई पता है हमें, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, तो हम उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो हमने बोला कि ये जो पी पॉइंट है इस पर पोटेंशियल जीरो है, देन इट कैन बी गिवन एज के क्यू अपन आर वन एंड माइनस के टू क्यू अपन आर टू. द डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि स्केलर क्वान्टिटी है तो डायरेक्टली हम वैल्यूज लिख सकते हैं, वैक्टर एडिशन कॉम्पोनेंट्स करने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ से 1 अपॉन R1 2 अपॉन R2 के इक्वल मिल गया, यानी R1 जो है वो R2 बाई 2 के इक्वल मिल गया. नेक्स्ट स्टेप में हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए होगी जो रूट में मिलेगी. सो R1 हियर इज R2 बाई 2, तो R1 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं R2 स्क्वायर बाई 4. तो अभी R1 देखिए कितना हो जाएगा, एक्स वाई और 0, 0 के बीच की डिस्टेंस, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर, और ये एक्स वाई और 6, 0 के बीच की डिस्टेंस, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसके इक्वल आ गया. एंड अब जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. तो हमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होगा, तो हम एक लोकस बना सकते हैं इससे. एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, और वाई माइनस 0 का स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 16. 4 हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, उससे -16 बनेगा, यहाँ पे प्लस का 4 बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल गई एक सर्कल की, जिसकी रेडियस है 4 यूनिट और जिसके सेंटर है -2, 0 पे. यानी कि पूरा यहाँ पर एक ऐसा सर्कल जिसके लिए -2, 0 यहाँ पॉइंट होगा, इसकी रेडियस 4 होनी चाहिए यानी 2, 0 तक जाएगी. यहाँ से एक ऐसा सर्कल होगा जिस पॉइंट से पास होगा और उसकी रेडियस जो होगी वो 4 यूनिट होगी. इस तरीके से एक प्रॉपर सर्कल बनेगा, सर्कल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा. सो आई होप ये क्लियर होगा क्वेश्चन अच्छे से. इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस जो हैं, चार्जेस जो हैं इनकी पोजीशन चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं. देयर स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विथ इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए. हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी साइड ए है. एट एनी इंस्टेंट अ बॉल इज रिलीज एंड ऑब्जर्व्ड. तो हमारे पास जो सिचुएशन है उसको हम ड्रॉ करते हैं. एन साइडेड पॉलीगन है, इस टाइप से रेगुलर पॉलीगन है, तो इसकी खूब सारी साइड्स हैं और सबके बीच की डिस्टेंस जो है वो ए है, मतलब चलता जा रहा है, एन साइड्स है इसमें, और हर वर्टिक्स पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया है और साइड्स सबके बीच में डिस्टेंस जो है, जो साइड है इसकी वो ए के इक्वल है. दैट इज गिवन टू यू. एट एन इंस्टेंट अ बॉल इज रिलीज एंड ऑब्जर्व. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अनदर बॉल एट द एडजस्टेंट वर्टेक्स इज ऑल्सो रिलीज. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू बॉल्स इज के, सो डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच बॉल. अब हमें चार्ज यानी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम है ये एक तरीके से एक यूनिफॉर्म सिस्टम आपको मिल रहा है. एन साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, उस पर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियली जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नेम दे दिया जाए एक्स. तो इस एक्स पॉइंट पे जो पोटेंशियल है मान लेते हैं वो वी है ना. सो एट एनी इंस्टेंट द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स इज वी. तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल है यहाँ पे, ये सारे डिफरेंट चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है ना, पूरे सिस्टम की वजह से. तो यदि हम यहाँ से इसको रिलीज करते हैं, इस बॉल को जिसका चार्ज क्यू है, इसे हम रिलीज करते हैं, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी, लेट वेलोसिटी ऑफ क्यू
इज V1. तो जब हम इसे V1 से रिलीज कर रहे हैं तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि इसे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितना यहाँ से इसको पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से. तो यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं कि हाफ एम इसका मास गिवन है आपको, V1 स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा QV के, क्योंकि ये अभी क्या कर रहा है सिस्टम को छोड़ के जा रहा है. तो सिस्टम की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी थी क्यू वी वही इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमने रिलीज किया है ऐसे रेस्ट से, पहले हमने इसे बांध रखा था यहाँ पर और अभी हमने इसे रिलीज कर दिया. तो हाफ एम वी वन स्क्वायर जो होगा वो क्यू वी की वजह से आएगा, जबकि वी यहाँ पर एक पोटेंशियल हमने कंसिडर किया है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके एडजेसेंट वर्टेक्स की एक और बॉल को रिलीज कर रहे हैं. तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास वर्टेक्स है इस पर भी चार्ज क्यू है और अब हम इस बॉल को रिलीज करने वाले हैं. और मान लेते हैं कि जो ये बॉल गई थी आपकी V1 वेलोसिटी से और ये जो बॉल है जा रही है V2 वेलोसिटी से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी अभी, इट्स गोइंग टू बी लेट वेलोसिटी ऑफ अनदर बॉल इज V1 V2. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल विल बी हाफ एम V2 स्क्वायर. यहाँ तक समझ आ रहा है. अब हमने देखा कि जो V पोटेंशियल था वो किसकी वजह से था, वो बाकी सारे चार्जेस, जब Q चार्ज था पूरे सिस्टम का पोटेंशियल V था. अब Q चार्ज तो पहले ही जा चुका है ना. तो अभी मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो पूरा सिस्टम है उसकी वजह से पोटेंशियल V1 है, ठीक है. और जब ये V था पूरे सिस्टम की वजह से था, तो एक बॉल यहाँ से चली गई है तो अभी n-1 बॉल्स बची है हमारे पास. तो जो रिमेनिंग n-1 बॉल्स है उसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V1 है. अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि पहले जो n बॉल्स थी, ड्यू टू n बॉल्स, ड्यू टू n बॉल्स जो पोटेंशियल था दैट वाज इक्वल्स टू V. एंड अभी हम बोल रहे हैं ड्यू टू n-1 बॉल्स पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट पे है ना. पोटेंशियल ये हमने निकाला है जो पॉइंट x हमने नाम दिया था, पोटेंशियल एट x दैट इज V, और पोटेंशियल एट y इज V1. जो दूसरी बॉल है उसके लिए हमने V1 नाम दिया है. तो अभी V1, अब जब Q चार्ज था तो पोटेंशियल V था है ना. अब Q चार्ज नहीं है तो V1 पोटेंशियल जो है वो V माइनस उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा दैट इज के क्यू अपॉन ए. आ रही बात समझ में. अभी जो V पोटेंशियल था वो सारे चार्जेस की वजह से था, n चार्जेस की वजह से, और अभी जो V1 पोटेंशियल है वो n-1 चार्जेस की वजह से है. तो इस चार्ज को यदि सब्ट्रैक्ट कर दे V में से, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट पे के क्यू अपॉन ए पोटेंशियल होगा इसकी वजह से. यदि हम V1 में से ऐड कर दें तो वो V को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. तो V1 को क्या लिखा जा सकता है, V माइनस के क्यू अपॉन ए, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं V जो होगा वो V1 जो अभी नया पोटेंशियल है n-1 बॉल्स की वजह से, और यदि वो बॉल होती तो उसका पोटेंशियल भी हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. सो V कैन बी गिवन एज V1 प्लस के क्यू अपॉन ए, राइट. तो अभी जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है बॉल की, हाफ एम वी टू स्क्वायर, वो किसकी वजह से है, क्यू चार्ज के V1 पोटेंशियल की वजह से. तो ये हो गई इक्वेशन टू आपके पास. अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनिशियल बॉल गई उसकी काइनेटिक एनर्जी और जो दूसरी बॉल गई उसकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस के है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टू स्क्वायर के इक्वल है, और हाफ एम वी वन स्क्वायर को क्या लिखा है हमने, क्यू वी. इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यूज पुट कर दीजिए क्यू वी, और माइनस यहाँ से क्यू वी वन इज इक्वल्स टू के. तो क्यू वी माइनस वी वन इज इक्वल्स टू के, और यहाँ से वी माइनस वी वन को क्या लिखा जा सकता है, के क्यू अपॉन ए, राइट. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर. सो इट्स क्यू एंड इट्स के क्यू अपॉन ए, और यहाँ पर ये इक्वल आ गया है. एक सेकेंड, यहाँ पे के गिवन है तो इसको आपको 1/4π ε0 लेना पड़ेगा. इट्स 1/4π ε0 क्यू अपॉन ए, क्योंकि के और के डिफरेंस डिफरेंट है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है. तो क्यू स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 4π ε0 के ए के, राइट.
तो यहाँ से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, वेयर के इज द काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस, ये वाला के नहीं है, इसको आप डायरेक्टली वही लिखें पहले से ही, यहीं पे लिखते हैं इट्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल था, और मुझे कमेंट करके बताना भी कि ये असाइनमेंट क्वेश्चन जिस दिन मैंने दिया था क्या आप लोगों ने सॉल्व किया था और क्या आपका सेम आंसर आ रहा था, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।